सुनीताज किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं कढ़ा प्रसाद। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये हेल्दी कढ़ा प्रसाद। आप मेरे तरीके से बना करके खाएं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। दो या तीन इंग्रेडिएंट से ही सारा बन जाता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, वो जब गर्म हो जाए तो एक कप हम उसमें गेहूँ का आटा डाल देंगे। आटा डालने के बाद इसको 5 मिनट तक हल्का हल्का खुशबू आने तक एकदम बढ़िया से भून लेंगे। ये देखिए 5 मिनट तक एकदम हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए भूनने के बाद अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद आटा को साइड में रख देंगे। उसी कढ़ाई में जिस कप से हमने आटा डाला था उसी कप से एक कप घी डाल देंगे। आप जब भी बनाएं तो इसको घी में ही बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। जब घी गर्म हो जाए इसमें हमने थोड़ा सा काजू डाला है, काजू डाल करके इसको भी भून करके निकाल लें। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते। देखिए भून लिए हमने काजू, इसको एक कटोरे में हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद इसी घी में हमने जो आटा भून करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक फिर से फ्राई कर लेंगे। एकदम अच्छे से देखिए एकदम कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप मेरे तरीके से बना करके खाएं, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए ये भुना हुआ चला गया है। इसमें हम 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी डाल के हल्का सा इसको मिला देंगे। चीनी जब मिल जाए तो उसी कप से हम फिर 2 कप इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसमें उसी कप से 2 कप पानी डाल देंगे। आप मेजरमेंट का ज़रूर ध्यान दें, और नहीं तो ये हलवा ख़राब हो जाएगा। देखिए पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से सभी को मिला दें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कढ़ा प्रसाद आपको कैसा लगा। इसमें हमने फ्लेवर के लिए 1 इलायची डाल दिया है। आपको पसंद हो तो इलायची डालें, और नहीं तो आप छोड़ भी सकते। देखिए कितना अच्छा हलवा बन के तैयार है। एकदम हलवा देखिए घी छोड़ने लगा है। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप मेरे तरीके से हलवा ज़रूर बना करके खाएं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हलवा कैसा लगा। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।